Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बैजनाथ से परोट घाटी के बीच चुहार घाटी में स्थित देव पाशा कोट के मंदिर की ये रहस्यमय कहानी देखिए पूरी वीडियो में और जानिए क्या है हकीकत पाशा कोट देव जी की। मान्यता के अनुसार यह बहुत सच्चे देवता हैं और यहाँ पर जो भी मनोकामना करते हैं वो पूर्ण होती है। क्या है हकीकत, क्या है रहस्य, देखिए इस पूरी वीडियो में और जानिए क्या है इस देव की रहस्य, क्योंकि देवमयी रहस्यमयी दुनिया में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि बरोट में बसे चुहार घाटी में देव पाशा कोट मंदिर और देव पाशा कोट का रहस्य सभी व्यक्तियों को आम जनमानस को पता लग सके। हालांकि जब हम यहां पहुंचे तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए थे और जिन जिन की मनोकामना पूरी हुई थी उन्होंने यहाँ पर धाम इत्यादि का व्यवस्था और धाम इत्यादि भी लगाई थी। साथ ही हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, परंतु जब यहाँ पर इस घाटी में पहुँचे तो मनमोहक और यहाँ की झलक की कुछ अलग प्रकार की थी। देखिए ये पूरी वीडियो। इस समय लक्ष्मण दास पारसा हमारे साथ मौजूद हैं, मंदिर के पुजारी, तो इनसे मंदिर के इतिहास के बारे में पूछते हैं और मंदिर में क्या कुछ है यहाँ पर और ये कितने मंदिर हैं। जी पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे नजर न्यूज में, क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद सर। ये जो है लोहाड़ी से पीछे से इसका आया है, ये चलते चलते जगह जगह रुकते गए हैं, उसके बाद निकल गए देवढांक। अच्छा जी। देवढांक से नीचे आए यहाँ नालदेरा जी, यहाँ इन्होंने भक्ति की है। भक्ति करने के बाद जो है ना यहाँ से इनका रथ तैयार होके यहाँ लोकल मैठी बजगान है, वहाँ बड़ा अच्छा मंदिर बना हुआ है, वहीं उनका रथ रहता है, जहाँ देवी देवता मेले के लिए जाते हैं तो वहीं से तैयार होके पहले यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं। इसकी मान्यता ऐसा है कि इसमें जो भी मान्यता करे, जो भी दिल से मान्यता करे कि जी मेरे घर ठीक ठाक चलना चाहिए, बच्चे होने चाहिए और दुख तकलीफ जो भी है ना वो दूर होनी चाहिए, इससे जो है ना पूरी आस्था के साथ जो प्रार्थना करता है वो पूर्ण होती है। जी इस भगवान के कितने मंदिर हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि रोड के साथ भी एक मंदिर था और कुछ एक लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि एक आगे भी मंदिर है इन्हीं भगवान का। हाँ, ये जो है ना एक मंदिर यहाँ देवढांक में भी है जी, एक उरला नाम जगह कराहड़ी में भी है इसका मंदिर जी, जहाँ इसका मेला वगैरह होता है। फिर उसके बाद जो है ना और कई जगह भी है इनके जो मान्यता है लोगों की जी, तो उन्होंने अपने लेवल पर जो है ना इनके मंदिर बनाए हुए हैं और पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो इस करके जो है ना ये जो है ना लोग जितने भी यहाँ यात्रा आती है लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है। और ये ऐसा है कि समय समय पर बारिश भी देते हैं जी, और मौसम के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं, तो इतना ही है। बाकी यहाँ जो है ना जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सबकी मनोकामना जो है ना पूरी होती है जी। ये ऐसा सुना गया है कि यहाँ पर एक पत्ता भी इनके बगैर नहीं हिलता है, कितनी स्थिरता इसमें, कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें ऐसा है ना जी कि जो भी यहाँ आता है ना बड़ी ईमानदारी से कोई भी किसी को कोई परेशानी नहीं होती है जी। जो यहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं जी, किशोरी लाल जी है जी, मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ जी, तो जैसी जैसी उनकी मनोकामना है वो सब पूर्ण होके यहाँ फिर अपनी जो भी होगी, कई बकरा ले आते हैं, कई हलवा ले आते हैं, कई रोट ले आते हैं, कई पानी लाते हैं, जैसे जैसे उनकी इच्छा होती है ना, जो उसने मान्यता की होती है ना उस हिसाब से जो है ना यहाँ उनकी मान्यता भी पूरी होती है और वो खुद अपने आप भी खुश होकर यहाँ से जाते हैं। ये कितने वर्ष पुराना है ये, इसके बारे में बताएंगे जरा? नहीं, इसका तो कुछ खास मुझे पता नहीं है,
तो ये तो शायद ये तो बड़ी बड़े पहले की बात है जी। कोई त्योहार, कोई इनके स्पेशल त्योहार चलते हैं क्या मंदिर में? जैसे मेले लगते हैं तो यहाँ पर भी मेले लगते हैं क्या? हाँ, यहाँ मेले नहीं, यहाँ जहाँ जब मेले लगते हैं तो बाहर से अपने मंदिर से जो देवता आएगा जी, पहले यहाँ रुकेगा जी। यहाँ के बाद जो है ना जगह जगह इसके जो है ना ठिकाने बने होते हैं कि आज रात को फलानी जगह इस गांव में रहना है, दूसरी जगह इस गांव में रहना है, फिर आगे जाके मेले में जो है ना किस दिन पहुंचना है वो उन्होंने तय कर रखा होता है जी। कि बीच बीच रास्ते में लोगों की ऐसी मनोकामना होती है जी, तो उन्होंने अपनी जो यह माना होता है कि मैं जात्र दूंगा, हमारी मनोकामना पूरी है, लोगों को खाना खिलाते हैं, देवलू को खिलाना खिलाते हैं, जो बाजे बाज जंत्री है उनको भी। ऐसे सुना गया है कि यहाँ से मंडी के लिए जब ये त्योहार होता है वहाँ पे इस महाशिवरात्रि होती है तब यहाँ से देव भी जाता है, तो वो किस मंथ में जाता है? वो यहाँ से जो है ना ये निकालते हैं दिन भाई आगे रास्ते के लिए किसने कितनी कितनी यात्रा देनी है जी, उस हिसाब से जो है ना यहाँ से निकलते हैं, उस हिसाब से हमने समय निर्धारित किया जाता है। हाँ, दो दिन पहले में निकल जाते हैं क्योंकि रास्ते में रुकना है जी, आज मेरी मनता है जी, कल किसी गांव की मनता है जी, तो इस करके जो है ना रास्ते में रुकना। एक अंतिम प्रश्न पुजारी जी आपसे, यहाँ पर एक दो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें चढ़ रहे हैं युवक और ऊपर सिक्का लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? ये जो है ना एक प्रथा है हमारी ना भी, इसमें ऊपर जाके मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना ऐसे नीचे भी से भी जैसे जयकार करे, ये तो ऐसा है लोगों को बच्चों के लिए थोड़ा हौसला बसाई भी है जी, और कोई ये नहीं इसका है भी ठीक कि थोड़ा जो बच्चे जो है ना हौसला करे जी, वो ऊपर जाके अपनी मनों का कामना पूरी करे, हम तो बोलते हैं ठीक है ऊपर चढ़े, नीचे भी जयकार करे जी, अपने इनके ध्वजा के चरणों में तब भी पूरा हो जाता कुछ है। नियम है यहाँ के आने के? हाँ जी, नियम है कुछ यहाँ पे आने के, जैसे कुछ एक नियम होते हैं? हाँ, नियम ऐसा है ना कि जो कास्ट के आदमी है वो अंदर नहीं आते यहाँ जी, उसके के लिए बाहर मना होता, सब खाने के लिए भी जी, पूजा पाठ के लिए भी जी, और जो भी है जैसे जैसे मैंने रीति रिवाज जो है ना जो बने हुए हैं ना उस हिसाब से अपने आप लोग जो है ना चले रहते हैं जी। धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। आता है तो खाने का इंतजाम यही किया जाता है। कभी बड़ी पहले की बात है जी, एक गुम्मा गांव है कहीं रोवाड़ा जी, वहां से किसकी किसी पुआल की भेड़ बकरियां जो है ना जी वो गायब हुई जी, वहां से शुरू होके जी आगे आगे भेड़ बकरी चलती रही जी, पीछे पीछे पुआल चलता रहा जी, और यहाँ आके वो भेड़ बकरी भी निकली और पुआल भी सुरक्षित जो है ना यहाँ पहुंचे। ये गुफा है अंदर, गुफा यहाँ से निकली, गुफा के दृश्य आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कितनी लंबी गुफा है ये? अब यहाँ से तो ला लो